तो हमारी ए भी बिल्ड हो चुकी है, ओके। तो अब हम बाकी सारी चीज़ें भी हमने ओपन करके रख दी है, जैसे कि ये स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर हमारा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं प्राइवेसी पॉलिसी के लिए जो हमें लिंक चाहिए वो यहाँ से हमें मिल जाएगी। तो अब बस अब फटाफट से हम अपलोड कर देते हैं। तो हम हमारे अकाउंट में चले जाएंगे, यहाँ पर हम प्ले कंसोल के अकाउंट में जाके क्रिएट ऐप करेंगे। अब ऐप का नेम ले लेते हैं जो जो हमने रखा हुआ है, कॉपी करेंगे, पेस्ट इंग्लिश, ऐप की जगह पर गेम फ्री, और दोनों को कंफर्म कर लेंगे और क्रिएट ऐप कर लेंगे। अब सेटअप योर ऐप में जाएंगे, पहले सेट प्राइवेसी पॉलिसी में जाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी की लिंक यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे, इसको यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं और प्राइवेसी पॉलिसी को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है और आप उसमें प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना सकते हो तो और भी बढ़िया है, वरना इस तरह से कर सकते हैं। क्या है ऑल फंक्शनैलिटी ओके, विदाउट एनी स्पेशल एक्सेस हम सब फंक्शनैलिटी ऐसे ही दे रहे हैं। तो मैं उस पर क्लिक कर देना है, एड्स, तो यस माई ऐप कंटेंट्स एड्स, ओके। इसको सेव कर लेंगे, फिर बाद में कंटेंट रेटिंग है तो हम यहाँ पे कंटेंट रेटिंग दे देते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। मैं कंटेंट रेटिंग बना लेंगे हम, नो फियर, नो सेक्सुअलिटी, नो गैम्बलिंग, नो लैंग्वेज, नो कंट्रोल सब्सटेंस भी नहीं है, क्रूड ह्यूमर भी नहीं है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेना है, मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है तो मुझे पता है कि सब में मुझे नो नो करना है, आप फिर भी देख लीजिएगा। हम इसको नेक्स्ट करेंगे, सेव करेंगे और हमारी कंटेंट रेटिंग बन चुकी है। हम फिर से आएंगे, टारगेट ऑडियंस पे जाएंगे, हम टारगेट ऑडियंस 18 एंड ओवर रखेंगे और यस नॉट डिज़ाइन फॉर चिल्ड्रन पे क्लिक करके सेव करके जाने देते हैं अभी, ओके। फिर बाद में न्यूज़ ऐप, न्यूज़ ऐप में नो, अपनी कोई एप्लीकेशन जो है वो न्यूज़ ऐप नहीं देती तो हम नो करके जाने देंगे। COVID-19 है, हम COVID-19 का ट्रेसिंग वगैरह भी नहीं कर रहे एप्लीकेशन में, तो उसको भी नोट पर सिलेक्ट करके जान देंगे। डेटा सेफ्टी में जाते हैं, नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे और इसको भी यस सिलेक्ट करेंगे। और माय ऐप डज नॉट अलाउ टू क्रिएट एन अकाउंट ओके, और नो बट यूज़र डेटा ऑटोमेटिकली डिलीटेड विद इन 90 डेज, ओके। नेक्स्ट करेंगे, अपने लोकेशन वगैरह तो नहीं ले रहे बट हम क्रैश लॉक्ड डायग्नोस्टिक्स वगैरह लेते और डिवाइस और अदर आईडीज, ये तीन चीज़ का हम यूज़ करते हैं एनालिटिक्स में। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, सेट कर देंगे और एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी इसको स्टार्ट करेंगे, सेट कर देंगे और एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे। सेम चीज़ नीचे वाले के साथ भी कर देंगे, सेट एनालिटिक्स, सेव, नेक्स्ट कर देते और इसको भी सेव कर लेते, ओके। सेव हो गया, डैशबोर्ड पर जाते हैं, क्या बाकी रह गया है अब, अब गवर्नमेंट अप्रूवल का नहीं भाई, हमारी कोई एप्लीकेशन गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की ऐप नहीं है, मतलब ये हमारी है। अब फाइनेंशियल फीचर्स नहीं, हमारी कोई फाइनेंशियल फीचर्स भी नहीं देते हम, तो इसको भी नो पर क्लिक करके जाने देंगे, ओके। अब क्या है, ऐप कैटेगरी और वो सब, ओके। तो हम एडिट पे जाते हैं, सिलेक्ट कैटेगरी पे ले लेते हैं हम कैजुअल और सेव, कैजुअल, ये दोनों कैटेगरी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर आप अपनी डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो, जैसे फिर से डैशबोर्ड में चले जाएंगे और सेटअप योर स्टोर लिस्टनिंग। अब यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, सॉरी हाँ ये रहा, तो हम पहले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, ओके, और फिर बाद में लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ले लेंगे, ओके। ये मैंने पहले से बनाया के रखा हुआ था, आप अपने रीत से बना लेना कीवर्ड रिसर्च वगैरह करके। अब हम लोगो वगैरह असाइन कर देंगे, आई नो अभी लोगो सही से नहीं है मगर अभी टेम्प्ररी चल जाएगा, आप अच्छे से बना सकते हो, ओके। बाकी सब तो सही है, लोगो खाली थोड़ा अच्छे से बनाने की ज़रूरत है,
देख लेंगे वो तो बाद में। चलो ओके, हमने ये करा। अब अगर हम वीडियो वगैरह यूट्यूब पे डालते हैं तो उसकी लिंक यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। अब स्क्रीनशॉट्स को ले लेते हैं। और यहाँ पर भी हम ऐड कर देंगे, 10 इंच में भी डाल देंगे। ओके, सब सही जगह पर ही प्लेस हुए हैं। 7 इंच टैबलेट में भी देख लेते हैं कि सब सही जगह पर प्लेस हुए हैं या नहीं है। ओके, इसमें भी सब सही जगह पर ही प्लेस है और इसमें भी सब सही जगह पर है। अभी क्रोम के लिए हमें नहीं ज़रूरत, तो सेव कर लेंगे। फिर से हम चले जाएंगे डैशबोर्ड पे। अब क्या करना है हमें, क्रिएट एंड पब्लिश रिलीज करेंगे, तो सिलेक्ट कंट्रीज एंड रीजन पे क्लिक करेंगे, हम ऐड कर लेंगे और सबको सिलेक्ट कर लेंगे कि हमें कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखना। ओके, अब यहाँ पर क्रिएट न्यू रिलीज पर क्लिक करेंगे और चूज साइन इन की में हम यूज़ गूगल जनरेटेड की को यूज़ कर लेते। ओके, और हमारा जो ऐप बंडल है वो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो हमने साइन एपी के बनाई है वो यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो कि ये रहा। यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ये अपलोड होने में थोड़ा वक्त लगेगा, मगर इसको अपलोड हो जाने देते हैं। यहाँ पर रिलीज नोट ले लेंगे, एक्साइटिंग लेवल्स एडेड। ओके, हम इसको कॉपी कर लेते हैं। अभी कुछ भी आप रिलीज नोट्स दे सकते हो, आप अपने जैसे कि आपने ये ऐड किया, वो ऐड किया है, फर्स्ट वर्जन ऐड करा है, उस हिसाब से आप रिलीज नोट्स वगैरह बना सकते हो। वो सिर्फ शॉर्ट में एक लाइन में दिखेगी कि आपने इस अपडेट में क्या दिया है। यूँ ये अपडेट हो चुका है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। कुछ एक एरर आई है, एक एरर क्या आई है, ओके, कंप्लीट डिक्लेरेशन कर देंगे हम, यस करेंगे और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग पे सिलेक्ट करके सेव कर लेंगे। ओके, फिर से हम प्रोडक्शन में जाते हैं, एडिट रिलीज पे जाते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो 3 वार्निंग्स मिल रही है। ओके, और हमें इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सेव करेंगे और गो टू ओवरव्यू पे चले जाएंगे और जितने भी चेंजेस है इसको सेंड चेंजेस फॉर रिव्यू करके रिव्यू के लिए भेज देंगे। तो ये हमारी एप्लीकेशन अब रिव्यू में जा चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ पर इन रिव्यू बता रहा है। ओके, तो अब हम वेट करेंगे, जैसे ही गेम लाइव होगी ऐसे ही हम हमारे जो एडमोब है, एडमोब के अंदर प्ले कॉन्सल, ये जो प्ले स्टोर की लिंक है वो लाइव एप्लीकेशन को लिंक कर देंगे, फिर एडमोब है वो एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा और उसके बाद में लाइव एड्स को शो करना स्टार्ट कर देगा। तब तक अब हमें इन ऐप परचेस जो हमने ऐड किया है, तो हम प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं, इन ऐप प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पर हमें क्रिएट प्रोडक्ट पर क्लिक कर देना है। ओके, अब जो हमारी प्रोडक्ट आईडी, मैंने आपको बोला था कि हमें प्रोडक्ट आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो प्रोडक्ट आईडी को हम ओपन कर लेते फटाफट से। कहाँ गई हमारी स्क्रिप्ट, आईएपी मैनेजर,
और हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओके तो ये रही हमारी प्रोडक्ट आईडी, ये जो है रिमूव एड्स, हमें इसको कॉपी करना है और यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी में भेज के पेस्ट कर देना है। ये आईडी पे ही हमारी क्या बोलते हैं इन्हें परचेस की जो कंडीशन है सब फॉलो होगी, तो ये आईडी में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। नाम दे देंगे रिमूव एड्स और डिस्क्रिप्शन दे देंगे दिस विल रिमूव ऑल एड्स फ्रॉम दिस गेम। ओके ये डिस्क्रिप्शन दे दिया। हम प्राइसिंग सेट कर देते तकरीबन मान लो कि हमें 99 रुपीज़ के अंदर सेट करना है, तो ये 99 रुपीज़ के हिसाब से सभी कंट्री के हिसाब से सेट हो जाएगा। यूएस के हिसाब से कितना हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से 0.99 डॉलर सेट हो रहा है। ओके तो हम अप्लाई प्राइसेस कर देते ओके और सेव कर देंगे। हम इसको एक्टिवेट भी कर ही देते, तो इधर से एक्टिवेट करने से क्या होगा, हमारी जो ये प्रोडक्ट है इन ऐप प्रोडक्ट वो एक्टिवेट हो जाएगी। ओके और यहाँ पे मल्टी क्वांटिटी है, जब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर एक से ज़्यादा बार अगर परचेस करना है तो आप मल्टी क्वांटिटी पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, हमें सिर्फ वन टाइम परचेस करवाना है इसीलिए हम मल्टी क्वांटिटी पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। ओके तो हमारा कंज्यूमेबल में आ जाएगा, और अगर मल्टी क्वांटिटी वाला करना है तो नॉन कंज्यूमेबल में कंज्यूमेबल में आएगा जब मल्टी क्वांटिटी है, और नॉन कंज्यूमेबल में हम इसको ऑफ रहने देंगे। थोड़ी मिस्टेक हो गई बोलने में। तो या ये हमारा इनएप प्रोडक्ट भी इनएप परचेस भी ऐड हो चुका है और एड्स भी इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब हमारी ऐप लाइव होगी, उसके बाद में हम बाकी का काम करेंगे। तो बस हमें सिर्फ अब लाइव ऐप को ऐड कनेक्ट करना है एडमोब के साथ और कुछ भी नहीं करना। तो हमारी ये गेम लाइव हो चुकी है प्ले स्टोर पर। ओके हमने सारी प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट किया है। अब हमें सिंपली एडमोब में जाकर ये वाली एप्लीकेशन को लिंक कर देना है। हमारी लाइव एड्स तो शो होनी शुरू हो चुकी है, तो हम एडमोब में जाएंगे और ये वाली एप्लीकेशन को यहाँ से ऐप सेटिंग में जाकर लिंक कर देंगे। तो यहाँ से ऐड करेंगे, यहाँ से पैकेज नेम को सर्च करेंगे, लिंक को कॉपी करके और जो हमारी आती है यूनिकॉर्न गेम क्रिएशन उसको ऐड कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे सेव। तो ये रिव्यू में चली जाएगी। अब हमारी ये वाली जो गेम है वो रिव्यू के अंदर है। जैसे ही रिव्यू हो जाएगी वैसे ही हमारी गेम लाइव एड शो करना भी शुरू कर देगी। तो ये हमारा था लाइन कलर वाली गेम का प्रॉपर ट्यूटोरियल। काफ़ी सारा वक्त लग गया ये ट्यूटोरियल बनाने में, बट अब दिक्कत ये थी कि मैं फुल टाइम तो वर्क कर नहीं पा रहा था और फेब्रुआरी मंथ के अंदर काफ़ी सारे मुझे दो शादी अटेंड करनी थी, तो 12-15 दिन तो मेरे उसी में चले गए और बाकी के 15-1 दिन के अंदर हमने ये वाली सीरीज़ को कंप्लीट किया है। गेम्स बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, मगर उसके ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना और उस ट्यूटोरियल को एडिट करके अपलोड करना, उसको पूरा प्रोसेस वाइज ले जाना, वो बहुत दिक्कत की बात है। तो मैंने इस कंप्लीट ट्यूटोरियल को बनाते बनाते भी काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है, जो मैं आने वाले वक्त में उसको और ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे लेवल डिज़ाइन में ज़्यादा वक्त नहीं मिला, जो भी हमने ऑब्स्टेकल्स वगैरह बनाए थे हमने उसी ऑब्स्टेकल्स का यूज़ करके हमने 30 लेवल्स बनाए हैं। मैंने ज़्यादा लेवल डिज़ाइन में टाइम स्पेंड नहीं किया, वरना और भी दिन लग जाते। वरना ये स्पेशली मैंने यूट्यूब के लिए ट्यूटोरियल पर्पज़ के हिसाब से ही बनाई है गेम, इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा एड ऑन्स की नहीं है। तो आपको बेस से यानी कि जीरो से लेकर एंड तक का प्रोसेस मैंने इस पूरी सीरीज़ के अंदर बता दिया है। फिर भी अगर कुछ छूट गया हो या मैंने कुछ मिस आउट कर दिया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उसको पर्टिकुलरली किसी वीडियो के अंदर कवर कर लूँगा। मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं सब चीज़ें डिटेल्स में बताऊँ, फिर भी अगर कुछ चीज़ आपको रह गई हो समझने में या फिर कुछ मैंने बताना ही भूल गया हूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो ताकि और अच्छे वे में आपको बड़े ट्यूटोरियल्स डिलीवर कर सकूँ। तो आई होप ये सीरीज़ आपको
पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सोशल मीडिया पे यानी कि इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं अपडेट्स डाला करता हूँ, मेरे अपकमिंग गेम्स की अपडेट्स डाला करता हूँ या अपकमिंग वीडियोस की अपडेट में डालने का अब शुरू करने वाला हूँ सोशल मीडिया पर, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो इस सीरीज़ के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय।